साबका सदर लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन शफकत चौहान साहब से गुजारिश करूंगा डाइस के ऊपर कि वहाँ अपने ख्याल का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल प्रेसिडियम अहमद भाई ने बड़ी अच्छी बातें की, सदर लाहौर हाईकोर्ट बार को ही करना चाहिए, कहीं ना कहीं जाकर इनको केले को पकड़ते हैं, बम बांधते हैं, चीफ की कोर्ट में ब्लास्ट करते हैं, काम हो जाएगा। फॉर गॉड सेक, कल भी सियासत थी, आज भी सियासत है। एक वक्त आया था आसफ का, मुझे ये कहा गया कि आसफ के लिए वहां धरना दे दिया, क्या कुछ कर दिया, लोगों ने किसने सियासत ना की, सब सियासत करते हैं। आज तीन वकला हैं, रेस्ट बी श्योर कल 100 होगा, परसों 300 होगा, जिन पे 780 लगेगी। कंटेम्प्ट लॉ क्या है, कहां चला गया, उसके लिए हमने क्या किया, हमें किसी को कोई गर्ज नहीं। मैं तकरीर करूंगा, आप तकरीर करेंगे, ये मीडिया पे चलेगी, बात बन गई, मैंने अपनी काम कर दिया, सियासत कर ली, बस डेट्स ऑल, यही काम है हमका, हम और कुछ नहीं करते। रही बात जजेस की, किसी को कोई होश नहीं आ रही। आज का एजेंडा कंट्राडिक्टरी है, मैं अर्ज करता हूं, मे भी अहमद भाई कहते हैं कि इकट्ठा है, कंट्राडिक्टरी है। जब हम बात करते हैं मॉडल टाउन की तो जज नहीं मानते, जब हम बात करते हैं कंटेप्ट की तो जज नहीं मानते, 780 की बात करते हैं तो जज नहीं मानते। लेकिन लोग कहते हैं यार किन जजों के लिए आप बाहर निकल रहे हो, आप उन जजों के खत के लिए क्यों खड़े हो, आज हम क्या करें। लेकिन रेस्ट बी श्योर, बात जजेस की नहीं है, बात जजेस के लेटर की नहीं है, रूल ऑफ लॉ की है, जो काला कोर्ट करता आया है और करता रहेगा। आज कहां गया सारे चौधरी जो आकर यहां लोगों से वोट मांगते हैं, कहां हैं वो लोग, क्यों इस बार को बेचते हैं, वो मैं हूं, मेरा ग्रुप हो या कोई और ग्रुप हो या मेरा सदर हो, मुझे किसी की कोई गलत नहीं। मैं अपने सदर को भी कहूंगा फॉर गॉड सेक सीधे होकर खड़े हूं। रही भट्टी साहब की बात, नीचे स्ट्राइक अनाउंस की, हाउस नहीं किया, आप लोगों ने रैली अनाउंस की, रैली नहीं की, क्या किया है, किसके कहने पे, क्यों नहीं होना चाहिए था, जब मुंह से बात निकले उस पर अमल करो, आप करके देखो आपकी बात कहां जाती है। जब मुझे को फोन करेगा मैं बात मान लूंगा, जब आपको को फोन करेगा मैं बात मान लूंगा, जब बात कर रही थी तो करनी थी, किसी ने भी कहा, किसी जज ने कहा, किसी ने वादा किया, नहीं हमने किया है, ये करेंगे, आपके साथ बैठेंगे, वादा पूरा करो, हम साथ हैं, नहीं तो हम इसके लिए खड़े हैं। यार इस काले कोर्ट को बेइज्जत मत कराओ, बहुत होगी, यहां कोई परेशानी हाल नहीं, हमें यह सोचना होगा। हमने वक्त गुजार लिया, कोई और 8-7 साल गुजर जाएंगे, ये जो मेरा कल है, जो यंगस्टर्स हैं, इनके साथ हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ इन्हें वोट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आप मुझे वोट दे दो, मैं आपके साथ हूं, मैं मिन्नते भी करूंगा, लेकिन जब वक्त गुजर जाएगा तो मैं अपने ऑफिस को इस्तेमाल करूंगा। तो आज एक बात, जजे साहबान ने क्या किया, मर्डर टाउन इश्यू चल रहा था, कंटेम्प्ट पकड़ ली, कंटेम्प्ट इसलिए पकड़ ली, आई एम सॉरी जी मैं बात करूंगा, अगर आप लोगों को है तो मैं छोड़ देता हूं, उन्होंने कंटेम्प्ट पकड़ी, कंटेम्प्ट पकड़ के इसको इश्यू को मिक्स किया। जब कंटेम्प्ट पकड़ी, एक वकील वो था जिसका लाइसेंस सस्पेंड था, हम उसकी सपोर्ट नहीं करते, लेकिन भाई उसने क्या गोली मार दी, उसने क्या तोप चला दी, आप उसको कंटेम्प्ट में फिक्स कर रहे हो, इसलिए कि उसके पीछे कोई नहीं, हम भी उसके साथ नहीं है, वो गलत कर रहा है, लेकिन अगर उसका लाइसेंस सस्पेंडेड है तो वकील है, ये रियलाइज करें। और एक वकील पे जो बाकी वकला पे जो 780 लगी वो कहां बनती है, अगर आप कानून को इस तरह इस्तेमाल करते हैं तो मैं क्या सोचूं कि आप क्या इंसाफ करते हो,
इन अदालतों में मैं जाकर क्या करूंगा, क्या होगा? मैं किसी एक क्लाइंट को क्या कहूंगा कि इस अदालत में इंसाफ होगा? अगर एक वकील पे गलत एफआईआर हो जाती है, वो वकील अपना दिफा नहीं कर सकता, तो वकील अपने क्लाइंट के लिए क्या करेगा? तो सिस्टम में वो रूल ऑफ लॉ की बात क्या करेगा? तो पहली रिक्वेस्ट सर, आप पंजाब बार कौंसिल हमारी है, लाहौर हाईकोर्ट बाहर है, लाहौर बाहर है, एनएफ, आप कोई स्ट्राइक ना करें, छोड़ दे स्ट्राइकें, ये गलत हो गया काम, चीफ साहब के सामने हाउस करें और अल्टीमेटम दे आप क्या करोगे, छोड़ दे, किसी स्ट्राइक की जरूरत नहीं है। कमाल है, आप लोगों को भी जलील करते हो, उनके केसेस को भी, छोड़ दे इसको आप, लेकिन कोलेक्टिवली, कोलेक्टिवली। तो ये सारे जो चौधरी है ना, जो डुगडुगी बजाते हैं, अपनी सियासत चमकाते हैं, वो कोई भी सबको नाम, सबको वहां इन्वाइट करें और कहें बैठे हमारे साथ, जो नहीं बैठेगा उसको देखें। इसके लिए एक दिन तय करें। अगली बात, मॉडल टाउन और ये जो इशू है, ये वहीं तय होगा, ये सारे इकट्ठे होकर बात करें। रही बात जजेस के खत की, हां हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, जज एक हो, जज दस हो, जिसने सही बात की, जिसके साथ गलत होगा, हम उसके साथ काला कोट पूरे पाकिस्तान का खड़ा हुआ है, हम खड़े होंगे। मत सोचे कि ये डिवीजन, कुछ लोग यहां क्या हो रहा है, एक एजेंसी है, दूसरे जजेस हैं, कितने लोगों को एजेंसियों ने उठाया, उनको कितने लोगों को हक मिला, जब पेश कर दिया, बिस्मिल्लाह जी आप आ गए, व्हाट इज दिस, वेयर देयर मैन, हु आर द पर्सन, किसने उसको पकड़ा, कहां लेकर गया, क्यों रखा, उसके फंडामेंटल राइट्स क्या थे, किस जज ने पूछा है? किसी जज ने नहीं पूछा। वो भाई आप कहां जाओगे, अब जज साहबान मुआशरे में क्या मुंह दिखाएंगे? ये तो बड़ा बाइज्जत एक लेवल है, एक जज, हम सारा दिन कहते हैं जी माशाल्लाह माय लॉर्ड, ना माय लॉर्ड करें, सर कह लें, जो भी कह लें, जज एक जज है, वो काबिल एहतराम ऑफिस है, और उसको हम काबिल एहतराम बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आप जो मर्जी करो, उसे काबिल एहतराम ना रखो। एक एजेंसी वर्सेस जज, दे आर प्लेइंग विद द नेशन, हमने उस पर क्या किया, ये चीजें भी हमें देखनी होगी। इसके लिए मैं सदर साहब को और अपनी सारी कैबिनेट को प्लस सबको रिक्वेस्ट करूंगा, एक पूरे पाकिस्तान का कन्वेंशन रखें, सिर्फ जबानी कलामी नहीं, सबको बुलाएं और कहें इस पे लाहे अमल दें, हम नहीं होने देंगे। जब तक ये नहीं करोगे नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच, मेरी बात किसी को बुरी लगे तो सॉरी।